हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कुणाल इलेक्ट्रिकल्स में। ये मैंने मोटर वाइंड कर चुका हूँ, 3 स्पीड मोटर, विंडो डेटन एसी मोटर की ये है विंडो डेटन एसी फैन मोटर। और ये है कंपनी जो है, जो जिस एसी की ये मोटर है वो है हिटाची का एसी। मैं इसको कुछ कनेक्शन बता देता हूँ। वैसे तो आप जैक्स देख के समझ गए होंगे कि किसकी एसी में से उतरी हुई मोटर है। ये जैक वाली मोटर है और इसमें मैं आपको कनेक्शन बता देता हूँ। 3 स्पीड मोटर है, ब्लू इसकी कॉमन है, रेड लो है, वाइट इसकी मीडियम है, ब्लैक हाई है। ओके दोस्तों, बाकी दो कैपेसिटर की अलग से है और मैं कुछ इसकी जानकारी आपको इसमें समझा देता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ी सी और समझ में आ जाएगा कौन सी एसी की मोटर है। मॉडल नंबर है 29GJGE7304T, मैराथन कंपनी, एम्पेयर है 1.20 और कैपेसिटर इसमें है 5 का, HP इसकी 1/7, वाट इसके 106 और RPM इसके है 900, 850, 750। और मैं आपको इसका कुछ डायग्राम समझा देता हूँ किस तरीके से कनेक्शन करना होता है अगर तुम्हें डायरेक्ट चेक करनी हो। वैसे मैं इसको आपको प्रैक्टिकल भी चला के दिखाऊंगा कि कितना एम्पेयर लेती है ये मोटर। ओके दोस्तों, वैसे मैं समझा देता हूँ। ब्लू कॉमन है इसकी, ग्रे ग्रे कैपेसिटर है, ब्लैक इसकी हाई है और वाइट मीडियम है, रेड लो है। ओके दोस्तों, बाकी मोटर देखो आप, बता कमेंट से बताना कि वाइंडिंग आपको कैसी दिख रही है। ये मैंने वाइंड करी है और ये एल्युमिनियम में आते हैं, मैं आपको बता दूं, मोटर एल्युमिनियम में आती है मोटर। ओके दोस्तों, मैं इसको अभी फिट करता हूँ और आपको इसके एम्पेयर भी दिखाता हूँ, इसके रोटर कवर दिखाता हूँ। इसके ये इसके रोटर कवर। ओके दोस्तों, फिलहाल इसकी मैं अभी करता हूँ सफाई। देखो कितना गंदा हो रहा है, ये साफ़ करके फिट करता हूँ। हम बुश भी इसके ठीक है, बुश इसके ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जेन्युइन बुश है। और इसे मैं अभी आपके आपसे बाद में मिलता हूँ। ओके दोस्तों, ओके दोस्तों, ये हो चुकी है हमारी मोटर कंप्लीट। मैं आपको उसके एम्पेयर दिखाऊंगा। मैंने इसे वाइंड करी थी, एल्युमिनियम में आई थी, 3 स्पीड मोटर वाइंड करी है कॉपर में, 100% कॉपर में करी है। और ये मोटर है हिटाची की, मैं बता चुका हूँ पहले भी, फिर भी एक बार मैं आपको बता रहा हूँ। ओके दोस्तों, अब मैं आपको उसको प्रैक्टिकली चला के दिखाऊंगा किस तरीके से हम इसे डायरेक्ट चेक करें बिगर PCB के, ताकि तुम्हें ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमें कैसे चेक करनी होती है। करंट गलत जगह देने की बजाय वीडियो देख कर ही अपने काम ज़रूर करना, नहीं तो आप मोटर फूंक सकते हो। ओके दोस्तों, मैं आपको इसमें समझाऊंगा कॉमन कौन सी, कैपेसिटर कौन सी, हाई कौन सी। ओके दोस्तों, उससे पहले मैं आपको इसकी जानकारी दे देता हूँ। वैसे जानकारी मैं दे चुका हूँ, फिर भी एक बार बस खाली ऐसे ही देख लो। डायग्राम में कुछ नहीं, मैराथन कंपनी है, मैं एक बार पहले ही बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ। ओके दोस्तों, ये HP इसके 1/7 में, वाट 106, कैपेसिटर 5 का, एम्पेयर इसके 1.20, रोटेशन 90 किलो। और ये चीज़ तो खैर मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ चला के किस तरीके से हम इसे चलाते हैं। ओके दोस्तों, बगैर PCB के मैं आपको कुछ एम्पेयर मीटर दिखा देता हूँ। ये हमारा एम्पेयर मीटर है, ये हमारा वाट मीटर है, वोल्टेज मीटर 245। और किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हमें इस मोटर को चलाने के लिए, तो वो मैं बता देता हूँ आपको। एक हमें चाहिए दो तार जिससे कि हमें चेक कर सके, और इसका चाहिए हमें कैपेसिटर, वो भी 5 का कैपेसिटर है, जेन्युइन इसी मोटर का कैपेसिटर है। ओके दोस्तों, मैं कैपेसिटर बता दूँगा इसमें कितने का है। ये 5 का कैपेसिटर है। ओके दोस्तों, और इसमें भी कैपेसिटर 5 का ही है, आप देख सकते हैं ये रहा। चलो शुरू करते हैं इसे कैसे चलाते हैं। ओके दोस्तों, ओके दोस्तों, मैंने इसमें अपने तार लगा चुका हूँ, आप देख सकते हैं डबल तार है, ब्लैक
और ब्लू के साथ मैं तार लगा चुका हूँ, जो मेन तार है इसकी, और कैपेसिटर की भी तार मैं जोड़ चुका हूँ। ये देख सकते हैं आप, कैपेसिटर की तार अलग से और स्पीडो की तार अलग से। कॉमन ब्लू है, रेड लो है, वाइट मीडियम है, ब्लैक हाई है। मैं आपको इसके एम्पेयर दिखाऊंगा कि हमारे तीनों लीड है कौन सी, लो पे कितने एम्पेयर लेते हैं, हाई पे कितने एम्पेयर लेते हैं, मीड पे कितने एम्पेयर लेती है। ओके दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। मैंने अपना कर दिया बटन ऑन, और मैं पहले आपको इसकी चेक करवाता हूँ इसकी हाई। ठीक है दोस्तों, मैंने ब्लैक तार पर लगाई है, और ये मोटर हमारी ये चल रही है, और मैं आपको उसके एम्पेयर दिखाता हूँ कितने लेती है हाई पे। ये लेती है हमारी 0.40 समझ लो। ओके दोस्तों, 40 लेती है। बार बार तार हिल रही है, को जैक वाली तार है ना, इसलिए दिक्कत होती है, ऐसे हिलती है। ओके दोस्तों, मैं आपको इसकी मीडियम चेक कराता हूँ, 40 से कम ले गई है। ओके दोस्तों, वाइट इसकी मीडियम है, ये हमारी मोटर चल रही है, ये तार हिल रही है हमारे, कोई नहीं। और देखो मीडियम ले रही है कम, 25 यानी कि 0.25। ओके दोस्तों, 25 ले रही है, 0.25 एम्पेयर। मैं आपको उसकी लो भी चेक करवा देता हूँ, ये हमारी लो, रेड लो है। और ये देखो हमारी मोटर चल रही है हिटाची की, और देखो लो कितने कम एम्पेयर ले रही है, 0.70 70 19 समझ लो ना। ओके दोस्तों, हमारी तीनों स्पीड है काम कर रही है, यानी कि हमारी तीनों स्पीड है काम कर रही है, कम बढ़ती हो रही है। ऐसा नहीं है कि एक ही तार में सारे तारे जोड़ दी और एक ही एम्पेयर ले, ऐसा कभी हम नहीं करते। हमारा काम प्रॉपर अच्छा होता है, प्रॉपर काम करते हैं, जैसी मोटर आती है वैसे ही जेन्युइन काम करते हैं, अंदर से बाहर तक का पूरा एक ही काम करते हैं। ओके दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ज़्यादातर बंदे इधर से तार कुछ और निकाल देते, इधर से कुछ और तार निकाल देते, आगे ये जोड़ देते, तीन तार एक में जोड़ देते, कॉमन अलग से कर देते, ऐसे भी करते कुछ लोग बंदे। ओके दोस्तों, हमारा काम है जेन्युइन काम, हिटाची की मोटर है, विंडो डेटन 3 स्पीड मोटर, और एंटी रोटेशन है इसकी। और बाकी मेरी वीडियो आप पर अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आगे से आगे शेयर करो दबा के, ताकि मेरी वीडियो आगे से आगे जाए, मैकेनिक देखे उस वीडियो को, ताकि उनके भी समझ में आ जाए कि इधर पे भी ऐसी की मोटर वाइंड होती है। ओके दोस्तों, ये मैंने चैनल अभी ही बनाया है, फ़िलहाल मेरा चैनल आगे से मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाओ, मेरे को बहुत हेल्प की ज़रूरत है। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, अगर किसी वीडियो के ऊपर और कोई वीडियो बनानी हो किसी मोटर के ऊपर, तो मैं वो ही बना दूँगा, आप बस कमेंट्स बॉक्स में बता देना। ओके दोस्तों, बाय।